नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आपको जैसा कि आप सबको विदित होगा, जो परीक्षार्थी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर 21 मार्च को है। आज के इस वीडियो में हम प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग स्क्रीनिंग परीक्षा के 2014 के पेपर को हल करेंगे। इसमें मैंने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2014 के सामान्य अध्ययन श्रृंखला के 50 प्रश्नों को यहाँ लिया है। इस वीडियो में हम इन 50 प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, इन प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो आपको प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके पैटर्न का अंदाज़ा होगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर दिशा दे सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की जो 2014 का जो पेपर है उसको हम हल करेंगे। तो प्रवक्ता संवर्ग स्क्रीनिंग परीक्षा 2014 का जो सॉल्व पेपर है इसको हम यहाँ देखेंगे। इसमें मैंने सामान्य अध्ययन का जो भाग इसमें आता है उसके साथ में शिक्षण अभिरुचि का भी हम आगे के वीडियोस में मैं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्न पत्र को लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम जो सामान्य अध्ययन का जो भाग पूछा जाता है सामान्य अध्ययन से, हम इसमें 50 प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। हाँ, पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई? तो इसका उत्तर है 10 दिसंबर 1948। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है? ये की जाती है संसद के द्वारा। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ आपका 24 दिसंबर 1986 से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 2002 में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया आपका अनुचित, इसका ऑप्शन बी सही है, अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पाद बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है और दो समूहों अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है, प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है? तो ये होता है केराटोसिस, ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयुक्त किया होता है? तो ये होता है शीतल पेय बनाने में, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन ने गेहूं की एक उत्परिवर्ती किस्म बनाई जो कहलाती है? ये है पूसा लर्मा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है? यह है नाभिकीय सनलाइन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2014 के एकल अंतिम मैच को जीता? तो ये जीता नेवाक जोकोविच ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का हरित गृह प्रभाव में योगदान है? तो ये है जलवाष्प का, इसमें जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऑर्गन है ये इसमें सम्मिलित नहीं है।
अगला प्रश्न है, रेडॉन 222 यानी रेडॉन 222 जो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है का स्रोत है, तो ये है यूरेनियम 238। ठीक है, अगला प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है, तो ये नापी जाती है डॉप्सन यूनिट से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी प्रोटीन दूध में उपस्थित होती है, तो ये होती है केसिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है, तो ये है पैंक्रियाटिक रस जो हड्डियों को गला देता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक है, ये है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, आप जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान, तो यह है तृतीय क्षेत्र का। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो यह है वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न, कृषि उत्पादकता के निर्धारण कारक है, भूमि भी है, श्रम भी है, पूंजी भी है, ये सभी इसके उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में जन्मे वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजाराम जिन्हें वर्ष 2014 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, ये किस देश के नागरिक हैं, ये मैक्सिको के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ष 2013 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो ये दिया गया गोविंद मिश्र को। अगला प्रश्न, गैलसोगो में हुए राष्ट्रमंडल खेल में वर्ष 2014 में सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता, तो ये पद जीता रजत पदक। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के वर्ष 2014 में निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं अशरफ धानी अहमद जई, ये तत्कालीन राष्ट्रपति 2014 में चुने गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनधन योजना के आरंभ के मात्र एक दिन में कितने बैंक खाते खोले गए थे, ये खोले गए थे 1.5 करोड़। अगला प्रश्न, है एशिया का पहला प्रक्षेपित शोध केंद्र भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया है, तो ये किया है गुजरात में। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो ये थे विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से था, तो ये था जैन धर्म से। अगला प्रश्न, यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया था, तो ये किया था हेनरी डेरोजियो ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक दस्तावेज प्रपत्र को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना काटा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में हुई पहली सरकारी जनगणना का वर्ष था, तो ये था 1881। पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन पहली जो क्रमबद्ध रूप से सरकारी जनगणना पहली शुरू हुई वो 1881 में शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी, तो ये पहला पॉइंट है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, ये हुई थी मुंबई में। अगला प्रश्न है, अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य है, इसकी विकल्पों को देखेंगे हम, तो अधिकतम वन क्षेत्रों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है, तो ये है उड़ीसा में। अगला प्रश्न, भारत के अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया, ठीक है, तो भारत के अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था 24 सितंबर 2014 को, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियन खेल 2014 में कितने वर्ष बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता,
एशियन खेल 2014 में भारत ने 16 वर्ष बाद, ऑप्शन सी है, 16 वर्ष बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ये 2014 में जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लियोनेल मेसी विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर हैं, वह किस देश से संबंधित हैं? तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, ठीक है, अर्जेंटीना के हैं। अगला प्रश्न, नागालैंड के राज्यपाल वर्ष 2014 में किसे नियुक्त किया गया था? तो नागालैंड का राज्यपाल वर्ष 2014 में पद्मनाभा आचार्य, ऑप्शन बी, को चुना गया था। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय खिलाड़ी विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है? तो वो 2014 में ये विराट कोहली थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जर्मनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, झेलम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोच्चि शहरों के निकट से गुजरता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 78 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य युग्म में 2011 के अनुसार समान जनसंख्या घनत्व है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में, ठीक है। अगला प्रश्न, है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि। कृषि को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है, ठीक है? तो इसका कार्य, ये ऑप्शन डी है, इसका व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना इसका कार्य नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये थे वाई वी रेड्डी, ठीक है। अगला प्रश्न, है, भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों को दी गई सीटों के निर्धारण से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित नहीं है? तो इसमें ये पुरुषों स्त्रियों के समान कार्यों के लिए समान वेतन, ये है, कार्य न्याय संगत मनोवैचित दशा, ये भी है, तो धार्मिक स्वतंत्रता भी है। तो इसका उत्तर है विश्राम व अवकाश, क्योंकि ये मानवाधिकार से संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है? तो इसका उत्तर है, ये अपील कर सकता है 30 दिनों के भीतर, ऑप्शन ए, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में 50 प्रश्नों को लिया है, आप इस वीडियो को देखिए, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका प्रश्न पत्र किस तरह का पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो इस तरीके के प्रश्न सामान्य अध्ययन श्रेणी में पूछ जाएंगे। आगे आने वाले वीडियो में मैं शिक्षण अभिरुचि का भाग लूँगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए और बार बार देखिए, ठीक है, जिससे आपको ये प्रश्न भी कंठस्थ हो जाएंगे और पैटर्न भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग स्क्रीनिंग परीक्षा सॉल्व पेपर 2014 के 50 प्रश्नों को हमने इसमें हल किया है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आपको परीक्षा के पैटर्न का पता चलेगा, प्रश्नों के पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें से कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति भी हो सकती है कि कौन से प्रश्न, क्योंकि क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो बार बार रिपीट भी होते हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए। अब आपके लिए पास ये काउंटडाउन का समय है, 21 मार्च को आपका पेपर है, आपके पेपर के लिए मैं आपके साथ में हूँ, ठीक है। अभी अगले वीडियो में हम अभिरुचि वाले जो प्रश्न पत्र है उसको हल करेंगे, ठीक है। और 18-19 तारीख तक मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, उसके बाद आप लोग अपना रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे, ठीक है। तो बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने प्रयास को जारी रखिए, अपना धैर्य मत खोइए और आत्मविश्वास बनाए रखिए। तनाव होता है, तनाव, लेकिन तनाव के समय ही हमारी परीक्षा होती है। आप लोगों को आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बिल्कुल मनोयोग से तैयारी कीजिए, ठीक है। बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।